मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है सबके। तो आज अपन आज एस्कॉर्ट है 15, ठीक है जी। इसके बारे में बताने जा रहे हैं क्या कुछ होता है इसमें, कैसे ऑपरेटिंग हो रही है होती है, ठीक है जी। तो आप देखना जरा ध्यान से, ठीक है जी। तो कहीं किसी को लगता है भी ये ही सब, मतलब इससे थोड़ा कई जो मैं खुद जब मैं ना नया नया गाड़ी सीखने गया था, तो तुम मुझे ये लगता था नहीं क्या ये चीज़ है, क्या ही चीज़ है। लेकिन इससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस ओनली मीटर है और थोड़ा दिया हुआ है फंक्शन का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग तो हमको यहाँ से करनी है ना, ये सिंपल लगता था लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट है टास्क। जैसे ये फर्स्ट है, ये पार्किंग लाइट है, ठीक है, स्विच ऑन है, पार्किंग लाइट है, ये हेडलाइट है, ठीक है जी। ये फोर व्हील है और टू व्हील है। हाँ भाई, टू व्हील में खड़ी गाड़ी और फोर व्हील में कर दी, थोड़ा आवाज भी आएगा, ठीक है, नीचे से टू व्हील कर दिया। ये SLI है, ठीक है, SLI देख सकते हो अभी स्टार्टिंग है, रनिंग है, ठीक है। अभी यहाँ से SLI बंद कर दिया, वो बंद हो गया, ठीक है। तो अभी इसको चालू किया, अब चालू हो गया, ठीक है। इसका तेज शो हो गया अभी, ड्यूटी एंगल रेडियस बूम की लेंथ, लोड कितना हम उठा सकते हैं वो है, और कितना कैपेसिटी बन रहा है अभी, ठीक है जी। इसके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन जहाँ पहले इसके बारे में सुन लो, ये अपना है वाइपर, ठीक है जी, ओके। ये अपना यार फ्यूज है, ठीक है, जो भी है अपना वाइपर का हो गया, लाइटिंग का रिले है, वर्स रिले है, ठीक है जी, हॉर्न का हो गया, मतलब 10 एम्पीयर के लगे हुए हैं इसमें। अपना ये एयर प्रेशर का सुई है, अभी एयर 7 पे है, ठीक है, तो इसका 10 पे तक जाता है, ओके जी। ये अपना है इंजन वाटर टेम्परेचर, ओके जी। तो ये अपना ऑयल प्रेशर है, जब हम रेस करेंगे तो अपना ऑयल का प्रेशर बढ़ता है, वो है AGB ऑयल टेम्परेचर। इसका पता क्या है, ये 50 पे रहेगा, जब हमारा गाड़ी चल रहा है जो समझ लो अभी, तो इंजन ऑयल कम, मतलब हम कभी चेक नहीं किया, अभी कम हो गया, ठीक है जी। उस समय ये काम आता है अपना, मतलब गाड़ी ज़्यादा हीवरीट हो रहा है तो अपना गाड़ी सीज नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली गाड़ी अपना बंद कर देगा। AGB ऑयल का टेम्परेचर ये पता है। और ये फ्यूल गेज है, ठीक है जी, वो भी ऑन ही अभी। तो अभी ये है स्पीड मीटर, ये है RPM मीटर, ये अपना इंडिकेटर का स्विच है, अभी देखो चारों चल रहे हैं, अभी देख सकते हो आप। ये अपना है कैबिन के ऊपर लाइट होता है उसका है, अभी लगी नहीं है इसके ऊपर तो इसलिए स्विच बंद है अभी। ये है बूम लाइट का स्विच अपना, ये बैटरी का है, ये पार्किंग का है, उसने पार्किंग में खड़ी हुई है, ये रिवर्स के लाइट है, ये कट मिशन है, मिशन कट ऑफ, ठीक है जी। ये अभी यहाँ पर बाईपास है, यहाँ पे काम वर्क कर गया, यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे बटन होता है ग्रीन कलर का, लेकिन यहाँ से भी हटा के यहाँ पे, इसमें यहाँ बाईपास है, ठीक है जी, यहाँ पे भी वाइट होता है। ये अभी है, मतलब ये लाइट है इसकी इंडिकेटर की, ठीक है जी। अभी ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, ठीक है जी, और ये भाई बीच वाला है हेडलाइट का, देखो अभी चालू हुआ, देखिए अभी ध्यान से देखिए आप, चालू हुआ अभी, बंद हो गया, ठीक है जी। इसमें यही मेन है, ये अपना है बंद हो गया, ये SCC और ये ऑन हो गया, इसको करके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये अपना है LCD, इसका भी रिवर्स किया टारगेट दिखाता हूँ मैं, ठीक है जी। ये वर्किंग है, सब दिख रहा है पीछे से, अभी जो इसके है फंक्शन लीवर, मतलब जिसको बोलते हैं हम लीवर बोल देते हैं, ये है अपना बूम का अप डाउन, वहाँ लिखा भी हुआ है लिफ्ट डाउन और अप, देख सकते हो आप, ये देखिए आप लिफ्ट डाउन और अप, ठीक है जी। और ये अपना है विंच मोटर का हरिया ऑफिस, ये अभी मैं हरिया कर रहा हूँ, हरिया हो रहा है, ठीक है जी। इसको मैं नीचे करूँगा तो ऑफिस हो जाएगा, देखिए अभी ऑफिस हो रहा है, ठीक है। और ये अपना है बूम का इन और आउट, अभी आउट कर रहा हूँ तो बाहर जाएगा बूम, देखिए, और अभी अभी इन करूँगा नहीं अंदर करूँगा तो अभी इन करेगा, ठीक है जी, देखो अभी अंदर आ रहा है बूम। इसके 3 फंक्शन मेन है, और ये है आउटरिगर, ये आउटरिगर है लेफ्ट का, और ये है राइट का आउटरिगर, ठीक है, आप देख सकते हो, और वहाँ लिखा भी हुआ है आउटरिगर का मतलब ये है, मतलब अभी थोड़ा माल अपना कैपेसिटी से बाहर है, गाड़ी हमारा पीछे से उठ रहा है, ठीक है जी। तो हम अपना वो आउटरिगर लगा के माल उठा सकते हैं अपनी बहुत आसानी से, इसका ये बेनिफिट है आउटरिगर का। और ये है अपना, ये फ्रंट में लगा हुआ है अपना विंच मोटर, कोई गाड़ी मतलब फंसी हुई है कहीं मिट्टी में बारिश की वजह से, वहाँ उसको फंसा के ये काम करता है, अब देख सकते हो, उसको मैं ढीला करूँगा अभी, वो ढीला हो गया और टाइट हो गया, ठीक है। इसको गाड़ी में फंसा सकते हो और उसको खींच सकते हो, अपनी गाड़ी को कहीं आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हम गाड़ी को अपना जो गाड़ी फंसी हुई है उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से,
ठीक है जी, ये अपना मेन है तीन, ये हो गया है ठीक है, आउटरिगर का हो गया, इसका भी हो गया विंच मोटर का, और ये आउटरिगर राइट का हो गया, ये इंडिकेटर राइट लेफ्ट को और ये राइट को, ठीक है जी। यहाँ भी हॉर्न रहता है, यहाँ भी वर्किंग नहीं है अभी, यहाँ पे है ये, ठीक है जी। और कुछ आपको कोई डाउट लगे तो बता देना, बाकी तो जो गाड़ी का सिस्टम है ना, जो इसका गाड़ी का सिस्टम है वही इसका वर्किंग है, सेम टू सेम, कोई इसमें उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है, जैसे गाड़ी का गियर डलता है सेम इसका वैसे डलता है, कच्चा है, ब्रेक है, रेस है, ठीक है जी। ओके जी, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा मुझे बताना, और कमेंट करके जरूर बता दो आप क्या गलत है, मेरे से कोई गलती हुई है या कोई छूट गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटर कर दूँ, ठीक है जी। और हाँ एक बात और हमको जरूरी बताना जरूरी है, हम जब भी ये गाड़ी चलाते हैं ना, हमको मतलब लोड उठाया हमने, ठीक है, हमको उठाना है मतलब जाना है, ऑलवेज यूज 4x मोड व्हील कैरी लोड, मतलब हमको कभी भी टू व्हील में भी हम गाड़ी नहीं चला सकते, लोड पे गाड़ी लोड उठाया ना हमने तो हमको फोर व्हील में ही चलना है, ऐसे गाड़ी का सेफ्टी रहता है। कहते हैं ना मतलब गाड़ी लेके जाते हैं राइड पे, तो यहाँ लिखा हुआ है डोंट डू नॉट राइड ऑन क्लच एक्स्ट्रा स्लो स्पीड गियर बाउंस, मतलब कभी भी गाड़ी चल रहा है ना हमारा, तो आप देख सकते हो हमारा मतलब गाड़ी चल रहा क्लच छोड़ दिया, पैर यहाँ नहीं रख सकते हम कभी भी, उससे हमारा नुकसान है, मतलब 1 month 2 month 3 month के बाद हमारा जो क्लच है ना ये वाला ये बहुत हार्ड हो जाएगा, अभी तो बहुत नरम है इसका मुलायम है, मतलब मैं तो इसकी सर्विस करता रहता हूँ ना, टाइम टू टाइम सर्विस करता रहता हूँ, तो अभी बहुत ये नरम है। उसके बाद जब हम ऐसी गाड़ी चलाते हैं ना, इसको रख के जहाँ चल रहा है गाड़ी या कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो इसका जो क्लच है ना वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, आप कभी भी चेक कर सकते हो 1 month 2 month के बाद, हमें एक क्लच भी तो नरम नॉर्मल है ना वो वर्किंग कर रहा है, तो वो अभी ऐसे रखेंगे ना पैर जो गाड़ी चल रहा है, एक तो गाड़ी स्लो चलेगी, मतलब कम क्लच दबा रहा है ना आधा, उसके बाद 1 month 2 month के बाद ना इसका क्लच जो हार्ड हो जाएगा, हम वो यहाँ रख सकते हो अपना, ठीक नहीं सीधी सी मतलब जो भी है, तो बाकी और कोई डाउट हो तो बता देना।